हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं? स्वागत है फिर से एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों अभी सुबह के 6 बज रहा है और अभी मैं सुबह सुबह घूमने के लिए निकल चुका हूं। लेकिन आज जो है ना दोस्तों, 1 जुलाई 2024 और आज महीना का पहला दिन ही कह सकते हैं। बारिश हमारा काम को गड़बड़ा रहा है, फेरी वाला काम को। तो सुबह सुबह बारिश हो रहा है, थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन हो रहा है। तो देख सकते हैं सारा रास्ता गीला है, इस तरह का व्यू है। बारिश के मौसम में हमको फेरी करने में प्रॉब्लम होगा क्योंकि स्लिप होगा चक्का बहुत ज़्यादा। और इस मौसम में कपड़ा का फेरी करना थोड़ा प्रॉब्लम होता है और मुश्किल भी होता है क्योंकि चक्का स्लिप होता है तो गिरने की संभावना ज़्यादा रहता है। इसकी वजह से बहुत संभाल के चलाना पड़ता है। तो अभी तो बुनी पड़ रहा है, थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है तो पूरी तरह से जो है ना फ्रेश होता है। अब थोड़ा सा टाइट होगा रास्ता, सूखेगा तो चलेंगे। तो दोस्तों फिलहाल अभी चलते हैं इधर से घूम करके। दोस्तों अभी आ गया बिस्तरे में घूमने और देख सकते हैं कि बारिश अभी थोड़ा थोड़ा हो ही रहा है। अभी तो चलते हैं थोड़ा बिया की तरफ से देख करके आते हैं। वो सामने बिया है, अभी छोटा छोटा ही है और जिसको प्यार हो गया वो सब तो रोपनी कर रहा है। लेकिन हमारा हम लोग का बहुत आदमी का अभी नहीं हुआ है तो इधर देख सकते हैं अभी कोई रोपनी नहीं हो रहा है। अभी ये बिया से देख रहे हैं छोटा छोटा ऐसा ही बिया सब है। इधर का जो अगात गिरा दिया हुआ है ना उसको हो गया है तैयार, तो वो लोग कर रहे हैं। लेकिन हम लोग का थोड़ा पछात गिरा है तो अभी देख सकते हैं ये हमारा बिया है तो 5-7 दिन में हो जाएगा। इधर तो बहुत छोटा है अभी, लेकिन ये वाला बिया थोड़ा बड़ा हो गया है तो 5-7 दिन में हो जाएगा रोपने वाला। बारिश हो रहा है, अगर बिया तैयार हो गया रहता ना तो रोपनी होता। थोड़ा घूम लिए खेत की तरफ और चलते हैं। लेकिन बिया तैयार नहीं है, नहीं तो पानी पूरी तरह से भरपूर लगा हुआ है सारे खेत में, बिया भी तैयार नहीं है, इस वजह से रोपनी अभी नहीं हो रहा है। तो चलते हैं दोस्तों अभी घर पर, बुनिए भी अगर दो पड़ ही रहा है, चलते हैं घर पे कपड़ा सरियाएंगे। कैरेट का माल भी दोस्तों सरिया लिया देख सकते हैं और इतना माल हमारे पास स्टॉक में बचा हुआ है। और झोला भी सरिया लिया और गमछा भी सरिया लिया हूँ देख सकते हैं, इतना माल है। और दोस्तों कैरेट का माल भी अच्छे से सरिया लिया। माले दोस्तों अभी आ गया हूँ छत पे, बरस वरस कर लिया हूँ देख सकते हैं। और दोस्तों आज का मौसम तो इसमें बादल लगा हुआ है चारों तरफ से, आए दो बुनी फुनफुन आ ही रहा है। माल हमारा सारा सरिया हुआ हो गया और अभी ब्रश कर लिए हैं। अब मौसम देखते हैं कैसा रहता है, उसके बाद में धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों ब्रश कर लिए तो रख देते हैं यहाँ पे। ब्रश रखने वाला जगह यहाँ पे बनाया हुआ है तो रख दिए। अब चलते हैं नीचे खाना खाएंगे और मौसम फ्रेश किस तरह से होता है उसके बाद में देखते हैं। तो अभी टाइम 4:30 हो रहा है और इस समय का व्यू दिखाते हैं किस तरह का है। तो दोस्तों देख सकते हैं बारिश हो रहा है अभी और अभी थोड़ा तेज हो रहा है, लेकिन आज पूरे दिन जो है ना थोड़ा थोड़ा जो है ना बरस ही रहा है, थोड़ा थोड़ा बरस ही रहा था। एक थोड़ा भी धूप नहीं दिखाई दिया है, लेकिन धूप ही बारिश ही लगा रहा है। अब बुनी थोड़ा पड़ता ही रहा। तो आज जो है ना दोस्तों बहुत ही अफसोस हो रहा है इसके लिए कि दोस्तों जब धूप था, जब उबेर था, पूरी तरह से मौसम फ्रेश था तो मैं इधर उधर घूम रहा था, बहन के यहाँ, ससुराल, ऐसे करके जो है ना घूम रहा था। इसीलिए दोस्तों आज की ऐसा मौसम को देख करके मुझे सबक मिला है कि जब समय बचा हो, जब समय रहे, अच्छा फ्रेश मौसम रहे तो बैठना नहीं चाहिए या टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जब समय है तो उस समय काम कर लो, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम आ सकता है किसी भी चीज़ के लिए। जैसे कि मेरे को अभी लोन भरना है 3 तारीख को, लेकिन देख सकते हैं बारिश है और जब उबेर था तो उस समय में मैं फेरी करके पैसे की व्यवस्था कर सकता था। लेकिन मैं एक छोटी सी गलती की वजह से, एक छोटी सी गलती बहुत भारी गलती मैं अपने लिए मान सकता हूँ, क्योंकि दोस्तों अगर वहाँ घूमने नहीं जाता, इधर उधर कहीं घूमने रिश्तेदार के या घूमने नहीं जाता और फ्रेश मौसम का देख करके, चांस देख करके अगर काम करता तो पैसा हो जाता, इसके वजह से मेरा लोन कंप्लीट हो जाता। लेकिन
लोन जो मुझे भरना है वो मुझे कम पड़ रहा है और बारिश का मौसम है तो लेट होगा, 3 तारीख को मेरे अंदाज से नहीं हो पाएगा, तो देखते हैं अब ये मौसम फ्रेश होता है। जैसे तो अभी बहुत बारिश हो रहा है, तो ये जो है ना सुबह पूरे दिन ऐसा ही था, थोड़ा थोड़ा बूंद बूंदी पड़ ही रहा था, बारिश हो ही रहा था थोड़ा थोड़ा, देखते हैं कब होता है। तो लगता है लेट होगा इधर से, क्योंकि दोस्तों 3 तारीख को नहीं हो पाएगा, बारिश लगा हुआ है, धूप उगेगा तो जाएंगे फेरी करने, तब पैसा होगा तब डालेंगे लोग, तो लेट हो जाएगा। पहला 3 तारीख को डेट है, तो 3 तारीख को कैंसिल करते हैं तो 8 तारीख का फिर डेट मिलता है डालने के लिए, 8 तारीख को नहीं डालेंगे फिर बाउंस लेट चार्ज होता है ना, वो हमको भरना पड़ेगा। तो इसलिए मुझे बहुत ही अफसोस हो रहा है दोस्तों कि जब समय बचा हो, फ्रेश मौसम हो, तो बैठना नहीं चाहिए, बहाना नहीं बनाना चाहिए, या किधर भी रिश्तेदार हो, दोस्त हो, महीन हो, किधर भी नहीं जाना चाहिए, काम पर पूरा फोकस करना चाहिए, जिससे कि आगे आने वाले समय जो है ना, अगर ख़राब रहेगा तो, अगर पहले से काम किए रहेंगे तो पैसा रहेगा तो काम हो जाएगा, लेकिन समय रहते हुए अगर टाइम पास करते हैं, बहाना बनाते हैं, तो बाद में बहुत ही भारी प्रॉब्लम आ सकता है, जैसे कि मेरे को आया है, तो बहुत ही अफसोस हो रहा है दोस्तों। देखते हैं कब फ्रेश मौसम होता है, कॉल होता है या नहीं होता है, कॉपो होता है या नहीं होता है, तो आप लोगों को लगातार ब्लॉग देखेंगे तो पता चल जाएगा। चलिए दोस्तों, अफसोस तो हो रहा है, कर भी क्या सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों कल सुबह एक और न्यूज़ ब्लॉग में, इतना ही, बाय बाय, गुड इवनिंग।